गाइस वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर, तीनों ही चीज़ों को मैं कवर करूँगी। पास्ट में आपका रिलेशन क्या था, प्रेजेंट में क्या है एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ। तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है यानी कि मेष से कन्या तक की जो राशि का वीडियो है वो मैं डाल चुकी हूँ, अपलोड हो चुका है, वहाँ पर देख लीजिए। और आज मैं जो करने जा रही हूँ वो तुला से लेकर मीन राशि तक की रीडिंग करने जा रही हूँ। मतलब तुला अगर आपकी राशि है और तुला के बीच में जितनी भी राशियाँ मीन तक, सारी इस रीडिंग में कवर होंगी। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपका आपके पर्सन के साथ, चाहे मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो या फिर कोई भी रिलेशन आपका आपके पर्सन के साथ हो। दूसरी चीज़, मेरे से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम ये रीडिंग मैं देख सकती हूँ, मेरा ये रिलेशन है। अरे मैं आपसे ये बोल रही हूँ गाइस कि जिसके साथ रेजोनेट करे वो देख सकता है, रेजोनेट नहीं करे छोड़ सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी वन पर्टिकुलर इंसान की रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से ही देखिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिलेगी तब आपको वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, उसी डे से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट रीडिंग, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नेक्स्ट रीडिंग मिले, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि तुला से लेकर मीन तक अगर आपकी राशि है तो भाई आपका पास्ट आपका पर्सन के साथ कैसा था मैं बताऊंगी, प्रेजेंट कैसा है आपको मैं बताऊंगी एंड फ्यूचर आपका कैसा होगा उनके साथ मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। और ओके 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 ओके, ये कार्ड मैं ले लेती हूँ। देखिए एनर्जीज आ रही है, तो प्रेजेंट की एनर्जीज आ रही है। चलिए मैंने पहले मैं कार्ड्स लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद ही मैं सिचुएशन को चेंजेस करूँगी और मैं आपको बताऊँगी क्या सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है। आप अपनी राशियाँ ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलिए तुला से लेकर मीन तक की राशि की है, मेष से लेकर कन्या तक मैंने अपलोड कर दी है, वहाँ पर देख लें अगर आप मेष से कन्या तक की राशि के बीच में हैं तो, ठीक है। चलिए ओके, देख रहे हैं आप कार्ड्स कैसे बाहर निकल रहे हैं, मतलब कार्ड्स को इतनी ज़्यादा लग रही है कि मतलब एनर्जीज ना, फुल एनर्जी जब होती है ना कार्ड्स में भी शो हो जाती है, ठीक है। सो दूसरी चीज़ मैं आपसे भी से कहूँगी कि बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं मैम मेरे लिए प्रेयर कर दीजिएगा, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी आपको, आप कहते हैं आप अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन मैं रोज़ जो है मेरा अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है 4 बजे उठने का, 4 o'clock, क्योंकि वो टाइम मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है। उस टाइम पर मैं जब कॉन्सेंट्रेशन मेरा बनता है तब मैं आप सभी लोगों के लिए प्रेयर डेली करती हूँ, ठीक है। और आपके कमेंट्स भी जो है वो मैं देखती हूँ, लेकिन मैं आंसर इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ और मैं और सभी लोगों के लिए प्रेयर ज़रूर करूँगी। आप अपने कमेंट्स में लिख दिया करिए नाम वगैरह, तो मैं उनका नाम लेकर प्रेयर कर दूँगी ताकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक हो जाए। नाम लिख दिया करिए आप लोग कमेंट्स करके। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करती हूँ। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, तो अपने लोगों के लिए तो हर कोई जो है वो प्रेयर करता है और मैं सभी के लिए करती हूँ, हर किसी के लिए। तो चलिए ठीक है, तो अभी सिचुएशन क्या आ रही है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, अगर मैं पास्ट में जाऊँ तो मुझे यहाँ पर हैप्पी सिचुएशन दिख रही है। मतलब अगर मैं पास्ट को देखूँ तो यहाँ पर मुझे आपके रिलेशन की जो सिचुएशन आ रही है वो बहुत हैप्पी आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप कनेक्ट थे, आप दोनों एक दूसरे कनेक्ट थे। देखिए यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है, मैरिड लाइफ भी वाले भी देख सकते हैं, अनमैरिड इंसान भी देख सकते हैं, बोथ आर मैरिड डिफरेंट साइड वो भी देख सकते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर अगर आप शादीशुदा है और फिर भी अगर डिवाइन कनेक्शन है आपका या ईश्वर ने आपको मिला है तो देख सकते हैं, या फिर आपका लव या रिलेशनशिप है आपका आपके पर्सन के साथ वो भी देख सकते हैं, या फिर कोई भी रिलेशन हो तो भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, आप अपने रिलेशन में सेटिस्फाई थे मुझे जहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे आपका एक सक्सेसफुल रिलेशन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ। यहाँ पर एन्जॉय दिख रहा है, यहाँ पर खुशियाँ दिख रही है, यहाँ पर एक दूसरे की केयर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है सिचुएशन की अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं आप लोगों ने। यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन हो या फिर आप हो, आप एक दूसरे को, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा परवाह, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे से बात करने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो शायद आपका पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता था। मतलब बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ की वो, उसकी भी वर्क लाइफ हो सकता है कि हो, या फिर वो अपने घर में बहुत ज़्यादा वर्क हो उसके, या फिर ऑफिशियल वर्क हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपसे बात करने के लिए उसके पास टाइम होता था। मतलब एनर्जीज़
आ रही है यहाँ पर कि आपकी भी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि यही सिचुएशन अगर मैं आपकी भी बोलूँ कि कितनी भी वर्क लाइफ क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो ऐसी कि जो आपको बहुत ज़्यादा बिजी करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप उस इंसान से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते थे। आप सारा जो टाइम था उस इंसान के लिए बचा देते थे कि भाई मुझे उनसे बात करनी है, क्योंकि देखिए मेरे फेस पर भी स्माइल आ गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा, आपने प्यार दिखाई दे रहा, आप लोग एक दूसरे की परवाह करते थे, मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे से मिलने, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो जो पास्ट का दिख रहा है ना, अगर मैं मतलब मुझे मैं ना पास्ट में हूँ, आप ये समझ लीजिए मैं आपके पास्ट में हूँ, तो मेरे फेस पर स्माइल भी आ रही है, मेरी आवाज़ में भी स्माइल आ रही है, क्योंकि मुझे वो जो समय है ना आपका, वो मुझे समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्लैश होते हुए अपनी आँखों के सामने दिखाई दे रहा है इन फ्रंट ऑफ माई आई, कि आप जो है वो गोल्डन पीरियड में थे, आपको एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं ढूंढना पड़ता था, आप हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्ट में रहना चाहते थे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी बातें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे कि ऐसा हुआ कि वैसा हुआ, आज ये हुआ कल ये हुआ था, ये सारी बातें एक दूसरे से मिलने के लिए आप बेचैन रहते थे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि सॉन्ग वगैरह भी जो है वो आपको सेंड करते थे, आप भी उनको करते थे, मतलब आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतना कनेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये रिलेशन जो है ना, ये रिलेशन तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप टेंशन में हो, ऐसा रिलेशन तो कभी होगा ही नहीं कि आप स्ट्रेस फील कर रही हो आज, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे प्रेजेंट की दिख रही है ना, तो मैं हर्ट हो रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हर्ट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे प्रेजेंट सिचुएशन जो आ रही है मून की एनर्जीज आ रही है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आज मतलब ये जो पास्ट है प्रेजेंट में कैसे चेंज हुआ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं मतलब ये जो स्थिति है ना, अगर मैं स्क्वाड को देख रही हूँ ना, फिर मैं स्क्वाड को देख रही हूँ ना, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतनी चेंजेस कैसे हो गए। जो इंसान, क्योंकि पास्ट में अगर मैं देखूँ, जो इंसान आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था, जो इंसान मिलने के बहाने ढूंढता था आपसे बात करना, मतलब आप दोनों की एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया है आपने, एक दूसरे को इतना केयर किया है, हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या फिर आप एक इंसान के साथ मैरिड हो, या फिर आपका हस्बैंड हो, या फिर आपकी वाइफ हो, या फिर आपका लव रिलेशन हो, लेकिन जो भी एनर्जीज आ रही है मैं पर देख रही हूँ कि बहुत क्लोज थे आप एक दूसरे को, मतलब पूरी तरीके से ऐसे एनर्जीज में थे कि जो शायद कभी दूर नहीं हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको डेफिनेटली कमिटमेंट भी दिया है कि जो वो कमिटमेंट कि शायद वो और आप कभी जो है वो एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, वो कमिटमेंट। लेकिन यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ आप अच्छा एक चीज़ में और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी गाइस, कि यहाँ पर आप एनर्जीज को देख रहे हो, जब आप रिलेशनशिप में थे, जब आपकी एनर्जीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, जब आप एनर्जीज में, तब कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन भी आपको वॉच कर रहा था, आपने इस चीज़ को शायद नहीं देखा होगा, या फिर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ को जानते हो लेकिन आपने ये चीज़ नहीं सोची थी कि ऐसी सिचुएशन आपको प्रेजेंट में देखने को मिलेगी। ये थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब ये थर्ड पर्सन, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि दो लोग आपस में कब शेयर कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से अपना लव, अपना रिलेशन, अपनी केयर, चाहे ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, ये तो कोई भी रिश्ता हो सकता है कि दोनों के बीच में इतना प्यार दिख रहा है। भाई हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशन होते हैं हम जब जन्म लेते हैं हमारे कितने सारे रिलेशन बनते हैं, तो ये कोई भी इंसान हो सकता है आपको, जो इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर मतलब इस कार्ड में जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा मुझे हार्ट टचिंग वाइब्रेशन मिल रही है कि लग रहा है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा परवाह थी एक दूसरे की, परवाह होती ना जैसे केयर बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी सिचुएशन की यहाँ पर जो थर्ड पर्सन दिख रहा है ना आपको, जो ऊपर एनर्जीज दिख रही है, ये नेगेटिव एनर्जीज थी, ये एनर्जीज आपको वॉच कर रही थी, आपको दिख रही थी, जिसकी वजह से आज प्रेजेंट में सिचुएशन चेंज हो गई। ये इंसान ने हो सकता है कि आपके पर्सन को मिसगाइड किया हो, या फिर आपको आपको दोनों को दूर करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे के रिलेशन में नज़दीक आते हुए भी एक दूसरे के डिस्टेंस में आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो आज डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है उसमें कोई खुश नहीं है। देखिए आज जो अगर मैं प्रेजेंट क्रिएटिंग करूं तो यहां पर पास्ट में तो चीज़ें ठीक थी, आप सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हो टू कप्स है लेकिन थ्री लोग हैं, तो मतलब एनर्जीज आ रही है कि किसी की एंट्री थी, मतलब पास्ट में जब आप खुश थे, जब आप हैप्पी थे, जब आप केयर कर रहे थे, तब भी कोई तीसरा इंसान था, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे कोई ही शी हो, कोई भी हो सकता है, जो आपको आपके रिलेशन में जिसकी आहट हो गई थी,
जो जिसकी एंट्री जो है वो मुझे दिख रही थी, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर प्रेजेंट की सिचुएशन दिख रही है, आज प्रेजेंट में जो सिचुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं, आप अपसेट हैं, आपको अपने पर्सन वांट है कि भाई ये इंसान मुझे मिल जाए, वापस से भी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि क्योंकि आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करते थे, आप उसके साथ खुश रहते थे, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी मैं देख रही हूँ वो आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई थी जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था, क्योंकि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है पास्ट मतलब सॉरी प्रेजेंट की, ये एनर्जीज आ रही है कि आज आप सैड हैं, आज आपको उनकी ज़रूरत है और कहीं ना कहीं वो आपके पास नहीं है, आज आप उनको आज आपको लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए या फिर ये होता तो शायद आप इतना टेंस नहीं होते। यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं ये भी खुश नहीं, इसको भी आप चाहिए, क्योंकि लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फैमिली का की वजह से हो सकता है कि फैमिली का कंट्रोल हो, ये हो सकता है किसी इशू का कंट्रोल हो जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से आपको इग्नोर कर रहा हो, इग्नोर करता चला जा रहा हो, या फिर आपके करीब आकर भी आपसे दूर हो रहा हो, या फिर एक साथ घर में रहकर भी आप लोग अजनबी जैसे हो गए हो, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। एक एक चीज़ में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को थर्ड पर्सन कोई है मिसगाइड कर रहा है, आपका पर्सन समझकर भी आपको नहीं समझ पा रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान को एनर्जीज जो आ रही है वो इतनी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि साइकिल्स जो है वो चेंज हुए हैं, जिससे मुझे क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो नेगेटिव साइकिल्स जो है वो चेंजेस हुए, इससे एनर्जीज क्या आ रही है कि आप उसको समझा भी रहे होगे और क्या पता उसको समझ में आ भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल इतना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो मिसगाइड इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ों को समझकर भी नहीं समझ पा रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर की एनर्जीज मुझे जो दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, देन यहाँ पर फ्यूचर है, भविष्य है, तो अगर मैं भविष्य में देखूँ तो ये इंसान सोचने पर आज मजबूर होगा, मतलब भले ही फ्यूचर की एनर्जीज बोल रही हूँ लेकिन मैं बोलूँगी आज आज करके मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी, आप समझ जाना कि आज ये इंसान जो है वो सोचने पर मजबूर, क्योंकि आज सिचुएशन चेंज हो गई है, आज इसने थर्ड पार्टी से मात खाई है, आज ये थर्ड पर्सन को समझ चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि एनर्जीज के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ ये उस थर्ड पर्सन को जो थर्ड पर्सन इसके करीब था, जो थर्ड पर्सन ने इसको मिसगाइड किया था, उस इंसान को अच्छी तरह समझ चुका है ये इंसान की वो क्लेवर है, वो उसको तोड़वाने की कोशिश कर रहा है, उसके रिलेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, तो आज इस ओवर थिंकिंग में है, आज ये अपने आपकी लाइफ में कम बैक एनर्जीज में है। यहाँ पर पेज ऑफ वेंट से यहाँ पर जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन के दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो जो भी बातें थी ये वाली जो प्रेजेंट की सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी ने मिसगाइड किया या फिर कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी रिलेशन में थर्ड पार्टियों में, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि हर किसी चीज़ में थर्ड पार्टी नहीं हो सकती, कुछ चीज़ों में आप लोग भी एक दूसरे के प्रति कन्फ्यूज हो गए, कुछ चीज़ों में आप लोगों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक दूसरे के साथ रिलेशन रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी अगर हमें अपनी परवाह है अपनी वैल्यू तो हमें दूसरे की भी बातों को समझना पड़ेगा, दूसरे की भी हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, दूसरे की भी परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही कह रही है, लेकिन आज ये इंसान आपको समझ चुका है, आज इसको जो फीलिंग्स आ रही ना इसको पता चल गया कि आप जो है वो बेस्ट हैं इसकी लाइफ के लिए, इसके रिलेशन के लिए, तो ये इंसान जो है एनर्जीज अगर मैं फ्यूचर में बोलूँ तो फ्यूचर में एनर्जीज आपकी काफ़ी हाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा रिलेशन इनके साथ आपका हो चुका है फ्यूचर में। मैरिज अगर लाइफ में है, आपकी मैरिज पार्टनर है यदि आप, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको कमबैक हो चुका है आपकी लाइफ में और पूरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अगर मैं फ्यूचर के बोलूँ, अगर मैं पूरा फ्यूचर में जाऊँ तो कहीं ना कहीं अगर आपका शादी का उन्होंने कमिटमेंट दिया है तो शादी आपकी एनर्जीज के हिसाब से इनकी शादी हो जानी चाहिए थी आपके साथ फ्यूचर में, और अगर किसी और के साथ प्रेजेंट में हो चुकी है तो कहीं ना कहीं वापस ये मुझे आता हुआ फिर आपकी तरफ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसको पूरी तरीके से आपके साथ एनर्जीज जो है इसकी कंफर्टेबल इसको फील होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स और निकाल, देखिए यहाँ पर जो फ्यूचर के कार्ड्स, अगर प्रेजेंट के कार्ड है सॉरी फ्यूचर के नहीं प्रेजेंट के, देखिए ऐसी सिचुएशन हो रही है इस इंसान की आज, ये आपके बिना देखिए अभी एनर्जीज क्या आ रही है, अभी एनर्जी के हिसाब से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग बात नहीं कर रहे हो जहां तक मैं प्रेजेंट में देख रही हूँ, क्योंकि सैड एनर्जीज है यहाँ पर, थर्ड पार्टी ने जो है वो सरखा रखा है इनका पूरी तरीके से, थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन डिस्टर्ब हो चुका है और थर्ड पार्टी जो है वो इनकी चालाकियां भी ये समझ रहा है इंसान, तो यहाँ पर ये आज आपको याद कर रहा है, क्योंकि देखिए आज यहाँ पर याद कर रहा है, आज आप इसके लिए अपसेट है तभी जाके फ्यूचर में आपके पास आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर आपका इसके साथ ही है मैं जो देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, मतलब दुखी है, परेशान है, किसी चीज़ को लेकर अपसेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड फ्यूचर में एनर्जीज जो आ रही है वो कहीं ना कहीं यही बता रही है कि
जो भी आपका इनके साथ रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन ये आपको समझ रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है आपका और इसका अपना जो रिलेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रस्ट है। देखिए आप, ये फ्यूचर का कार्ड है, मतलब पूरी तरीके से आपके ऊपर विश्वास इस इंसान को हो चुका है कि आप जो हैं वो इसके लिए बिल्कुल बेस्ट हैं, आप इसके लिए सही हैं, और आप जो भी इनके लिए फैसला किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो फ्यूचर में एनर्जीज बहुत हाई आ रही हैं, बहुत ही अच्छी आ रही है। मैं कार्ड सॉल्व लूँगी और रीडिंग को एंड करूँगी। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करें अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आ रही है पास्ट लाइफ, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट तो है इनको, लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन क्या हो रही है कि दुखी है आपको लेकर। फ्यूचर में क्या आ रहा है कि ट्रस्ट है आपके ऊपर। यहाँ पर एनर्जीज आ रही है पास्ट लिप्स की, जो पास्ट में यानी कि फ्यूचर में एनर्जीज ऐसी होगी कि जो पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप था आपका, जो भी रिलेशन था आपका, इनको वो याद आएगा और पूरी तरीके से ये एनर्जीज में आपके साथ ही जो है वो रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। मतलब वापस से आपको एक होना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ईश्वर की मर्जी है और ईश्वर जो चाहता है वही होता है, इस बात को याद रखिए। तो ट्रस्ट करिए ईश्वर पर, गॉड पर, अपने ईष्ट पर, जो आपके गॉड हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। कर्मा हमेशा अच्छा रखिए एंड पॉजिटिव रहिए, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग लेकर मैं जल्दी आ रही हूँ आपके पास। एंड टेक केयर, बाय बाय।